दोस्तों मैंने आप लोगों से पूछा था अपने कम्युनिटी सेक्शन में कि आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए, वन प्लस की स्मार्ट वॉच या ROG फोन 5। आप लोग ने वन प्लस स्मार्ट वॉच को जिता दिया, तो ये वो वीडियो है जहां पर मैं जो भी लेटेस्ट माल मसाला अवेलेबल है मार्केट में उस सबको ला के और आपको दे दूंगा अच्छे से पका के कि भाई क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाली वन प्लस के वॉच से। रूमर ये है कि ओप्पो वाले स्मार्ट वॉच जो एक साल पहले लॉन्च हुई थी उसमें थोड़ा और मसाला लगाकर काफ़ी उसी हद तक दिखने की तरह एक स्मार्ट वॉच अपना ला सकता है। क्या ये सच है और क्या हमें फीचर्स कुछ कन्फर्म पता चल गए हैं आने वाले OnePlus के इवेंट में, उसकी डेट भी सब डिस्कस करूंगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे टेकाले और मैं आपको स्वागत करता हूं शैल की ब्रांड न्यू वीडियो में। तो भाई सबसे पहले तो पिछली जो मैंने वीडियो बनाई थी OnePlus 9 सीरीज के बारे में, सब पूछे थे लॉन्च डेट क्या है। मैंने इवेंट का जो डेट है उसको कमेंट भी करके पिन कर दिया था, फिर भी लोग कमेंट करते। तो भाई सुन लो डायरेक्ट वीडियो में, 11th मार्च 2021। काफ़ी एक अच्छे सोर्स से ये जो है जानकारी आ रही है, जो कि अभी के लिए वही है, जब तक लॉन्च हो नहीं जाता इवेंट तब तक तो हमें इन्हीं सब सोर्स के थ्रू चलना पड़ेगा। तो सोर्स के अकॉर्डिंग 11th मार्च 2021 को इवेंट होने वाला है जहां पर OnePlus एक नहीं, दो नहीं, तीन भी नहीं बल्कि चार चीज़ें लॉन्च करेगा, जिसमें से तीन तो फ़ोन है जो कि मैं ऑलरेडी पहले कवर कर चुका हूँ मल्टीपल वीडियोज़ में, जैसे जैसे नए नए लीक्स आ रहे थे। OnePlus 9 है, 9 प्रो है, और उसके अलावा जो मैं 9 लाइट और 9 ई कह रहा था अपने पिछले फ़ोन में, उसकी मोर और लेस कन्फर्म हो गई है। इवान ब्लास्ट बोल के एक लीक जो करते हैं बंदा, उसने बता दिया कि उसका नाम होने वाला है OnePlus 9R। तो देखते हैं वो तो लॉन्च पे कि क्या होता है ई, लाइट या आर। क्योंकि हम यहाँ पर बात करें मेनली स्मार्ट वॉच की, तो वो भी आपको मैं बता दूँ कि मोर और लेस हमें पता ही है कि OnePlus जो है एक सिस्टर कंपनी है ओप्पो की। ये तो मोर और लेस क्या हमें पूरा ही पता है कि ओप्पो, OnePlus, Realme, Vivo और iQOO भी अभी ये सब एक ही अल्टीमेटली अम्ब्रेला के अंदर आते हैं, जो कि है बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आपको नहीं पता था तो आपने कुछ नया जान लिया। तो भाई ओप्पो ने काफ़ी बवाल स्मार्ट वॉच लॉन्च की थी लगभग मार्च 2020 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उनकी मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट स्मार्ट वॉच थी एंड्रॉयड दुनिया के अंदर। और स्पेशली 15,000 की प्राइस पॉइंट पे भाई मतलब माइंड ब्लोइंग था उसकी जो स्पेक्स और जो वर्किंग थी। कम से कम 20-25,000 की मतलब बेचते तो भी शायद बिक जाती वो, और वैसे भी भाई एंड्रॉयड के स्मार्ट वॉचेज में उतना कुछ है नहीं दमदार अभी। मतलब जो भी चीज़ें लोग स्मार्ट वॉच बनाकर बेच रहे हैं टेक्निकली वो एक फिटनेस बैंड का ही थोड़ा गोल वाला और बड़ा वर्जन बना देते हैं और वो और उसको महंगा कर देते हैं डबल ट्रिपल प्राइस के। पर मैं ऑनेस्टली बोलूँगा कि भाई अभी जो ऑप्शंस अवेलेबल है, खैर सैमसंग का जो स्मार्ट वॉच है गियर, अगर आप वो अफोर्ड कर सकते हो तो फॉर श्योर वो तो अच्छा है ही, पर उसके अलावा ऐसा जितना कुछ है नहीं। अनटिल लास्ट ईयर जब ओप्पो ने अपनी स्मार्ट वॉच निकाली थी तो वो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा था, जो कि गूगल के वेयर ओएस पे चलता था पूरा, और मोर और लेस एकदम स्टॉक एंड्रॉयड उसके अंदर देखने मिल जाता था, मतलब वेयर ओएस वाला एंड्रॉयड, और वैसे फंक्शनलिटी में भी अच्छा था, कॉलिंग वगैरह भी थी, और वो आपको स्मार्ट वॉच के नाम पर फिटनेस बैंड नहीं चिपका रहे थे। सो वेरी बिग थम्स अप फॉर दैट। तो अगर ये बात है कि OnePlus भी ओप्पो का ही चीज़ को एक तरीके से थोड़ा और नए स्पेक्स नए मसाले के साथ लॉन्च करने वाला है OnePlus ब्रांडिंग के अंदर, तो भाई मान लो कि एक बहुत अच्छी चीज़ को ऑलमोस्ट बोल सकते हैं एक परफेक्शन के साथ लॉन्च किया जाएगा OnePlus स्मार्ट वॉच के नाम से। और इसके अंदर फॉर श्योर हमें जो सॉफ्टवेयर देखने मिलेगा वो बेसिकली गूगल के वेयर ओएस के ऊपर ही एक स्किन होगा, इनका ऑक्सीजन ओएस जो हमें इनके फ़ोन में देखने मिलता है उसी से मिलता जुलता, जो भी आइकॉन थीम बोले या जो भी है वो देखने मिलेगा। कुछ हमको जो है इमेजेस मिली थी लीक्स में जिसमें हमें डार्क वाली वॉलपेपर्स और डायल्स वगैरह जो होता है ना, जो फेस बोलते हैं, वैसी देखने मिल रही थी। तो मान के चलो कि हमें मिलने वाली उसमें एमोलेड डिस्प्ले जो कि होगी एक स्क्वायर फॉर्म में। पहली बात तो कि वॉच जो है बहुत मतलब मिक्स्ड रूमर्स है, कोई बोलते हैं कि स्क्वायर फॉर्म में होगी, कोई बोलते हैं कि राउंड में भी हो सकती है। लेट्स सी, नाम भी दो निकल के आ रहे हैं, या तो हो सकता है OnePlus का स्मार्ट वॉच OnePlus स्मार्ट वॉच, या फिर OnePlus वॉच RX ऐसा भी बहुत लोग बोल रहे हैं। अब लेट्स सी एग्जैक्ट नाम क्या होने वाला है, या ऐसा भी हो सकता है कि दो वॉच लॉन्च हो, एक जो कि थोड़ी रेक्टेंगुलर हो और एक थोड़ी सर्कुलर हो, और मुझे दोनों ही चलता है, कुछ लोग सर्कल ज़्यादा प्रेफर करते हैं बट फॉर मी दोनों एक बराबर से ही है। पर बाकी मैं अगर आपको कुछ डिटेल्स बताऊं तो भाई जो बैंड्स है मतलब डेफिनेटली रिप्लेसेबल बैंड्स होंगे, और बोल सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा सही टक्कर देने वाले ये सीधा सैमसंग के वॉचेस को। पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं अगर आपको यहाँ पर बता दूँ जो हम इंडियंस के लिए होती है प्राइस, और भाई प्राइस जो लीक्स में निकल के आए हैं उसके अकॉर्डिंग ये वॉच 10,000 कीमत के आसपास ही रिवॉल्व करेगी।
जरूरी नहीं है कि 9999 या 11000 ऐसी आए, 10 के आसपास नंबर अगर आप एक एस्टिमेट लो तो अभी के हिसाब से कंफर्म न्यूज़ है कि 10000 से लेकर 15000 के अंदर ही अंदर ये वाली वॉच आएगी वन प्लस के तरफ से। और भाई ये लीक सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और यही खुशी मैं आपके साथ भी बांटना चाहता था। आपको क्या लग रहा है, ये वॉच अगर 15000 या 12-13 हज़ार की कीमत पे आता है, क्या आप एक वॉच वन प्लस की तरफ से आने वाली प्रेफर करोगे क्या? नीचे मुझे कमेंट करके बताना, मैं काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हूँ जानने के लिए। भाई मुझे भी एक स्मार्ट वॉच लेने का मन तो है, लेट्स सी, मैं भी वेट कर रहा हूँ वन प्लस वॉच का, और अगर मैं लेता हूँ तो उसकी एक रिव्यू वीडियो फॉर श्योर मैं डालूंगा अपने इस चैनल पर। तो भाई बताओ मेरे को आपकी क्या राय है। AMOLED स्क्रीन हमें देखने मिलेगा, स्क्रीन साइज़ हमें ठीक से पता चल नहीं पाया, पर बैंड्स हमें कुछ देखने मिल गए हैं, काफ़ी हद तक Apple Watch की तरह ही इनके बैंड्स होंगे, काफ़ी सुंदर सुंदर रिप्लेसेबल बैंड्स हैं और काफ़ी सारी फोटोज़ हैं, ये मैं आपको अलग से एडिटिंग के बाद दिखा दूंगा थोड़ी बड़ी करके। पर इसमें काफ़ी हद तक मतलब ऑक्सीजन वॉइस वाला एक्सपीरियंस मिलेगा जो मैं बहुत खुश हूँ। मतलब ठीक है ओप्पो वाली वॉच भी काफ़ी सही थी, पर वन प्लस जो है नोन है कि वो थोड़ा और कस्टमर सेंट्रिक है और प्राइस भी बेटर रहती है उसकी, और मसाला वो लोग जो अपना डालते हैं ऑक्सीजन वाला काफी सही रहता है, तो इसलिए मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूं OnePlus की वॉच को। आपको क्या लगता है, क्या और स्पेसिफिकेशन है या क्या और ऐसा होना चाहिए OnePlus की वॉच में, नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर कोई लेटेस्ट अपडेट और आता है, आप तो खैर क्या ही आएगा, 11 दिन और रह गए लॉन्च में, तो भाई अगर कुछ फिर भी आता है तो मैं डेफिनेटली अपडेट वीडियो बनाऊंगा या फिर एक लॉन्च पे वीडियो बना दूं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। पर इसके बाद तो मोर ऑर लेस मैं शायद ROG फोन 5 की ही वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आपने उसको भी अच्छा खासा वोट दिया था, काफी दोनों सेम से ही थे, स्मार्ट वॉच और ROG पर थोड़ी सी मार्जिन से जो है स्मार्ट वॉच जीत गई थी, तो उसकी वीडियो मैंने आपके लिए पहले बना दी। बने रहो इस चैनल पर भाई अगर आप नए हो तो, और लाइक वाइक कर दो इस वीडियो को, क्योंकि उससे वीडियो को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है फैलने में और ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं, थोड़ा अच्छा लग जाता है। तो बस वीडियो अगर आपको पसंद आ गई हो, यहाँ तक देख लियो, लाइक कर दो, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो, उसके बगल में दबा दो नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको मेरे हर लेटेस्ट अपलोड्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। उसी के साथ इस वाली वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मैं मिलता हूँ मेरी अगली वीडियो में। We'll be right back.